तो गाइस स्वागत है आपका नए वीडियो में, नए फ़ोन के साथ, एक नए फोल्ड के साथ। तो यहाँ पर है Honor 9i, जिसे RNE1L22B कहा जाता है। तो इसका हम FRP अनलॉक करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई बाईपास नहीं होने वाला। अनलॉक टूल जो आता है, जो मैंने पहले डाला था, जिस पर बहुत सारे व्यूज़ आए हैं, तो उसका ये ट्यूटोरियल है कि Honor का EDL मोड पर इसको कैसे अनलॉक करना है। तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अगर अनलॉक टूल नहीं है तो आपको बाय करना है तो मेरा नीचे टेलीग्राम चैट है, वहाँ पर, या व्हाट्सअप भी मुझे कर सकते हो। टेलीग्राम का नंबर ही मेरा व्हाट्सअप है। तो चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, साथ ही साथ कमेंट कर देना। तो सबसे पहले तो हम अनलॉक टूल खोल लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया है मैंने, क्योंकि आपको जल्दी से और तेज़ी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम अनलॉक टूल खोल लेते हैं, उसके बाद हम फ़ोन को EDL मोड पे रखेंगे। EDL मोड पे कैसे रखना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहे। और एक ही क्लिक में ये हो जाएगा, तो कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। इसका USB ड्राइवर का जो लिंक होता है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले तो हम UI सेक्शन में चले जाते हैं, और यहाँ पर जो थर्ड नंबर की पिन है उसे, और कहाँ पर भी आप ग्राउंड लगा सकते हो, ऐसे करके आपको USB कनेक्ट कर लेना है। ड्राइवर ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है USB ड्राइवर का, वहाँ पर खाली बता रहा है, लेकिन अब कनेक्ट हो चुका है USB COM 1.0, आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमें लिखना है 659। ऐसा करने के बाद सीधा आपको कुछ नहीं करना है, रिमूव FRP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे वो अपना काम शुरू कर देगा, और एक ही क्लिक के अंदर आपका FRP अनलॉक हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। अगर अनलॉक टूल को अगर आप और चाहते हो और वीडियो में बनाओ, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। लेकिन ये टूल बहुत लोगों के पास नहीं होता, इसके लिए मैं इस पर वीडियो नहीं बनाता। लेकिन अगर आपके पास है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। मैं ज़्यादातर जितने भी मुश्किल वीडियो होता है उसको आसान करके आपके समक्ष लाता हूँ। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। जब भी आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी रखता है तो मेरे वीडियो उसको दिखाए, शेयर करें, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहाँ पर फ़ोन हमारा हो गया है ओके, FRP हमारा अनलॉक हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन के अंदर इसका FRP अनलॉक हो चुका है। तो फ़ोन यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, और थोड़ा थोड़ा मैं वीडियो कट करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि फ़ोन स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेंगे, यहाँ पे स्किप कर लेंगे, थोड़ी टच में प्रॉब्लम आ रही है। फ़ोन फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। मैं वीडियो को थोड़ा कट कर देता हूँ, ताकि जल्दी से आपको देखने को मिल जाए। तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पर स्किप कर लेते हैं, यहाँ पर एग्री टू ऑल कर देंगे। यहाँ से पहले वापस नहीं जाता था, आपको पता है, वहीं पे वहीं स्टक हो जाता था, लेकिन अब हमारा फ़ोन आगे जा रहा है। इसका मतलब FRP हमारा अनलॉक हो चुका है, पूरा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके पास MRT है तो आप MRT में भी कर सकते हो। इसी तरह EDL मोड में लाना है, और हुआ सेक्शन में जाके आपको ऐसे अनलॉक करना है। अनलॉक टूल के अंदर मॉडल सेम नहीं होता, 659 पर क्लिक करना है तभी होगा, जैसा मैंने वीडियो में दिखाया वैसा ही देख करना है आपको। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।